प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिषद के वार्षिक सत्र को किया संबोधित। मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड उत्पाद निर्मित करने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का दिया ब्यौरा। कहा, कोरोना महामारी के मामले में हरियाणा प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों से बेहतर। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हर जिले में कोरोना टेस्टिंग लैब खोलने की बात कही। शिक्षण संस्थान खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं, स्वास्थ्य विभाग की एसओपी का करेंगे इंतजार। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों का उद्यमियों ने किया स्वागत। कहा, आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, अब समाचार विस्तार से। भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिषद के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस से देश के नागरिकों की जान बचानी है, वहीं हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर करना है। इस प्रयास में भारतीय उद्योग परिषद की पहल गेटिंग ग्रोथ बैक काबिले तारीफ है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में ऐसे उत्पाद निर्मित करने की आवश्यकता है जो मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड फॉर द वर्ल्ड हो। अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाए, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा दिया और कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि महामारी के समय में हरियाणा की स्थिति अन्य प्रदेशों से बेहतर है। ऐसे समय में श्रमिक वर्ग, किसानों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और अन्य सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये भी बहुत ध्यान रखा है कि ऐसे गरीब परिवारों को वार्षिक सहायता ये पहुंचनी चाहिए और इसमें भी
जो 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो जाता है उसको कैसे पेंशन के दायरे में लाया जाए। तो किसान धन, किसान की मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये सब योजनाएं लागू की और इसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के लोग अपनी ओर से भी कुछ प्रीमियम यदि अदा करते हैं, प्रीमियम उतना ही केंद्र सरकार भी देगी, तो इनको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। गरीबों व श्रमिक वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार मनरेगा के तहत देश में सबसे अधिक मजदूरी दे रही है। वहीं बिना राशन कार्ड वाले लोगों को डिस्ट्रेस राशन टोकन के तहत राशन उपलब्ध करवाया गया है। मनरेगा का जो वेजेस है वो बढ़ा करके, और इस समय हरियाणा का अगर मैं आंकड़ा बताता हूं तो 309 रुपया प्रतिदिन जो डेली वेजेस उनको मिलेगा, और हरियाणा जो है हाईएस्ट वेजेस के नाते से देश भर में ये होगा। जो गरीब लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए थे, ऐसे डीआरटी डिस्ट्रेस राशन टोकन ये भी हमने 5 लाख के आसपास जारी किए हैं ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ये जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर सके। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश में भूख के कारण से कोई व्यक्ति सोया होगा ऐसा संभव नहीं लगता। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में विद्यार्थी वर्ग को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाना, केवल आवश्यक परीक्षाएं देना, शिक्षा ऋण के ब्याज में छूट देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समाज के सभी वर्गों को अपना समझकर सहायता उपलब्ध करवाई है और सभी वर्ग प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान में सहयोग दें। शिक्षा के संबंध में चूंकि डिस्टेंसिंग के कारण से, सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल में विद्यार्थी बच्चे जा नहीं सकते, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के ये सारे प्रावधान किए हैं। जो परीक्षाएं रह गई थी उन परीक्षाओं को लेने के लिए भी आगे की योजना बन गई है, लेकिन बिना परीक्षा भी अगली कक्षाओं में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत आवश्यक जो परीक्षा होगी वही उसको बाद में देनी होगी, अन्यथा सब बच्चों को हमने अगली कक्षाओं के लिए भेज दिया है। प्रदेश में अनलॉक 1.0 में दी गई छूट और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि पहले प्रदेश में एक भी कोरोना जांच की लैब नहीं थी, लेकिन अब प्रदेश में 15 लैब हैं जिसमें से 5 निजी और 10 सरकारी लैब हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अभी प्रतिदिन लगभग 5500 व्यक्तियों की जांच करने में सक्षम है और आने वाले समय में और अधिक कोरोना मरीजों की जांच के लिए प्रदेश के हर जिले में एक लैब स्थापित की जाएगी। 8 जून से धार्मिक स्थलों, होटल, मॉल और स्कूल खोलने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की SOP आने के बाद ही इनको खोलने पर विचार किया जाएगा। 10 सरकारी लैब्स हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। लगभग 5500 के करीब रोजाना हम टेस्ट कर सकते हैं और अब हम इसको और बढ़ा रहे हैं। मैंने ये हिदायत दी है अपने डिपार्टमेंट को कि आप हर ज़िले में एक लैब लगाइए ताकि टेस्ट कराने में जो समय लगता है वो समय ना लगे और ज़िले में ही, हर ज़िले का ज़िले में ही टेस्ट हो जाए, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जल्दी ही सारे ज़िलों में हम अपनी लैब्स लगा देंगे। स्कूल कॉलेजेस के लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग की SOP आएगी कि किस किस प्रकार से क्या क्या शर्तें हैं उसकी, कितने विद्यार्थी एक क्लास में हो सकते हैं, किस प्रकार से सारी गतिविधियां चलाई जानी हैं, तो वो आने के बाद ही हम तय करेंगे सब बातों को। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की दूरदर्शन हिसार के समाचार संपादक पंकज शर्मा से हुई पूरी बातचीत आप हमारे YouTube चैनल DD News पर देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। MSME की परिभाषा में लगभग 14 वर्ष के बाद बदलाव किया गया है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष रजनीश गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान MSME के लिए जो दूरदर्शिता व गहराई से विचार करके प्रावधान किए हैं वे अति सराहनीय हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उच्च उद्योगों में तेजी आएगी और इंडस्ट्री का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। रजनीश गर्ग ने कहा कि नई व्यवस्था से फंड ऑफ फंड के तहत MSME उद्योगों को बड़े उद्योगों में स्थापित करने में आसानी होगी और MSME उद्योगों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा।
ने एमएसएमई के खास करके लॉकडाउन पीरियड में के बारे में बहुत गहराई से विचार किया है। उनमें से जो कल कैबिनेट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने मीडियम स्केल इंडस्ट्री की लिमिट 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ 250 करोड़ की टर्नओवर की है, यह एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। पंचकुला की एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश सलवान ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म उद्योगों के लिए 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ का कारोबार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को नई उड़ान मिलेगी और आने वाले समय में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। एमएसएमई के लिए जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही सराहनीय है। जैसे इन्होंने एक माइक्रो की लिमिट बढ़ा दी, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ की सेल को भी माइक्रो में रखा गया। इससे एक तो बिजनेस को एनकरेजमेंट मिलेगी और सेकेंडली वो जो क्राइटेरिया है एमएसएमई का वो उस पर लगेगा, मतलब ही कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई आल्सो एंड अदरवाइज ही कैन ग्रो हिज बिजनेस टू 5 करोड़ आल्सो। ये आने वाले टाइम में जो ये किया है इसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर, उद्योगों के ऊपर बहुत ही सराहनीय होगा और बिजनेस बूस्ट करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश हैं कि सभी संबंधित जिला अधिकारी लेबर चौक पर काम की तलाश में आने वाले मजदूरों से संपर्क करना सुनिश्चित करें और जिन मजदूरों का पंजीकरण नहीं है उनका असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में पंजीकरण करवाएं। स्थानीय कमेटी के माध्यम से उनके राशन की व्यवस्था की जाए। काम की तलाश करने वाले सभी श्रमिकों के लिए काम उपलब्ध करवाना और हरियाणा में किसी को भूखा न रहने देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये जानकारी मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आज संकट समन्वय समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में दी गई। बैठक में उपायुक्तों को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिलों का एक मैप तैयार करें जिसमें COVID-19 टेस्ट सरकारी या निजी लैब की पूर्ण जानकारी हो। सभी प्रकार की लैब्स, आइसोलेटेड वार्ड्स, होम क्वारंटाइन और COVID-19 अस्पतालों में बेड की सुविधा सहित मोबाइल नंबरों की जानकारी के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाएं। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हितों में निरंतर कार्य किया जा रहा है। खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर सरकार ने किसानों को सौगात दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल देश व प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के साथ साथ किसान वर्ग को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है ताकि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उन्होंने बताया कि किसानों की फसल में हुए नुकसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत कम करने में मदद मिली है। अनलॉक 1.0 के तहत प्रदेश में कई स्तरों पर रियायतें प्रदान की गई हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने न्यायालयों को 30 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया है। दोनों प्रदेशों के न्यायालयों में आवश्यक कार्यों और विशेष एवं अति संवेदनशील मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। प्रत्येक जिला व ब्लॉक स्तर के न्यायालयों में लगभग 5 से 6 न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करेंगे। यमुनानगर जगाधरी बार एसोसिएशन के प्रधान बलविंद्र कुमार सैनी ने बताया कि सभी न्यायालयों में कोरोना महामारी के बचाव से संबंधित सभी नियमों की पालना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में आने से पहले सभी लोगों की थर्मल टेस्टिंग समय समय पर होती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय को कोरोना मुक्त रखने के लिए हैंड वॉश स्टैंड और सैनिटाइज मशीन का नियमित उपयोग किया जाता है। हमने यहाँ पे एक सैनिटाइजेशन मशीन लगाई हुई है और दूसरे कई मेथड अपनाए हुए हैं। हमने स्टैंड लगवाए हैं यहाँ पे और हमने आज कोर्ट को भी एक मेमोरेंडम दिया था, उनको ये कहा था कि आप भी हम मशीन वगैरह सैनिटाइजेशन के लिए और हैंड वॉश के लिए और जो सफाई व्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से करने के लिए जो भी आप पॉसिबल कर सकते हैं वो करें। जो सैनिटाइज़र है ना, ये हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से लगवाया गया है, ये स्टेट की तरफ से नहीं है। और हमने यहाँ पर क्योंकि जो हमारे एडवोकेट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हम उनकी एंट्री यहीं से कराते हैं, दूसरे गेट से नहीं कराते, ताकि यहाँ से होके जाए, यहाँ से होके आए। बाकी ये है कि सरकार की तरफ से जो बाहर मेन गेट है जहाँ से क्लाइंट एंटर करते हैं वहाँ भी जो है सैनिटाइजर ऐसी मशीन जो है होनी बहुत ही अनिवार्य। दक्षिणी पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसी के साथ बरसात का 4 महीने लंबा मौसम शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य बरसात का अनुमान है।
पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। जून से सितंबर तक चलने वाले इस मानसून की वजह से देश में 75% बारिश हो सकती है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिषद के वार्षिक सत्र को किया संबोधित। मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर द वर्ल्ड उत्पाद निर्मित करने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का दिया ब्यौरा। कहा, कोरोना महामारी के मामले में हरियाणा प्रदेश की स्थिति अन्य प्रदेशों से बेहतर। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हर जिले में कोरोना टेस्टिंग लैब खोलने की बात कही। शिक्षण संस्थान खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं, स्वास्थ्य विभाग की SOP का करेंगे इंतजार। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों का उद्यमियों ने किया स्वागत। कहा, आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।